हाय, आई एम अनु अरोरा और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कौन इसे कर सकता है, किसको अवॉइड करनी चाहिए और अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो मुझे इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सारी ही चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग एक खाने का तरीका है जिसमें आप 8 घंटे खाना खाते हैं और 16 घंटे का फास्ट करते हैं। ऑफ़ कोर्स 16 घंटे में आपका जो सोने का पीरियड है वो इन्वॉल्व्ड है। नाउ अगर आप ये देखें, आप ये शुरू कर रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं कि इससे मेरा भी वेट लॉस हो जाएगा, कभी भी किसी को हमें कॉपी नहीं करना है। हम इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं, डाइट ट्रेंड्स बहुत सारे आजकल के टाइम में आते रहते हैं, तो हम किसी को देख कर हमें शुरू नहीं करना है, अपनी बॉडी को समझना है, अपने लाइफस्टाइल को समझना है, मेरा क्या लेवल है, मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ, कितना नहीं, क्या मेरे को खाना है, क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट होता है तो आपको वहीं फास्ट तोड़ देना चाहिए। ईट समथिंग हेल्दी एट होम, ईट समथिंग नरिशिंग एट होम, तो बेसिक चीज़ें हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें। यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, कभी कभी किसी को कॉपी नहीं करना है, अपने आप को सुनना है। जितना आप अपने आप को सुनेंगे, अपने आप को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने खाने पीने के तरीके को एडजस्ट कर पाएंगे तो आप देखेंगे यू विल हैव अ परफेक्ट डाइट प्लान फॉर योरसेल्फ। थर्ड पॉइंट्स, इसमें हम क्या एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 16 घंटे का फास्ट हमें करना है, पर अब आपने इंटरनेट पे पढ़ा है कि हाँ भी ये वेट लॉस के लिए अच्छा है, तो अगर मैं 16 घंटे का फास्ट नहीं कर सकता तो क्या मैं 14 आवर का फास्ट कर लूँ? वेल, ये मेरी सजेशन है आपको, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 14 आवर का फास्ट भी कर सकते हैं, 12 आवर का फास्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप सूटेबल हैं कभी कभी आप 20 आवर का फास्ट भी कर सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम है। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं ऑन अ डेली बेसिस 12 घंटे से 14 घंटे का फास्ट मेरा डेली होता है, 12 टू 14 आवर का फास्ट मेरा डेली होता है। नाउ 16 घंटे का फास्ट हफ्ते में एक बार ही हो जाता है, मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती हूँ, और वही मेरी आपसे रिकमेंडेशन है, आप कभी भी अपने आप को फोर्स करके नहीं करें। बहुत एक्साइटेड है इसको शुरू करने के लिए, क्यों नहीं सिंपल तरीके से शुरू करा जाए, 12 घंटे का फास्ट करना शुरू करो। अगर आप ज़्यादा खाते हो, अगर आप आपको बहुत ज़्यादा खाने की ओवर ईटिंग करते हो, तो 12 घंटे का फास्ट करना शुरू करो, देखो आपकी बॉडी में चेंज आएगा। फिर स्लोली स्लोली 14 आवर पे आ जाओ, और फिर स्लोली 16 आवर पे आ जाओ। 16 आवर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो सकता है, अगर आपको फास्टिंग करने की आदत नहीं है, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो। पर अगर आप इस 12 घंटे या 14 घंटे के फास्टिंग में डेली बेसिस पे करोगे, आपको अपने आप फ़ायदे नज़र आने लगे। वेल, ये फास्टिंग किस तरीके से करी जा सकती है? वेल, उसके दो तरीके हैं। या तो आप 8 से 4 का विंडो अपनाएं, जिसमें आप 8 बजे सुबह अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और 4 बजे अपनी आखिरी मील ले लेते हैं, और उसके बाद अगले सुबह 8 बजे खाते हैं, या फिर आप 12 बजे सुबह आप कुछ खाते हैं, शाम के 8 बजे अपनी आखिरी मील लेते हैं और फिर अगले दिन 12 बजे आप खाते हैं। नाउ ये डिपेंड करेगा आप किस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो डेफिनेटली आप सुबह उठेंगे, यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock और 7 o'clock। और अगर आप इवनिंग पर्सन, आप लेट नाइट जागते हैं, तो हो सकता है 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट करें और शाम के 8 बजे अपनी आखिरी मील लें, और फिर अपना सुबह आप 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये दो तरीके फॉलो करे जा सकते हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही होगा, अगर आप मॉर्निंग्स में शुरू करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, अगर आप 8 to 4 का विंडो अपनाते हैं, या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया 7 to 3 का विंडो अगर आप अपनाते हैं, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। क्यों? बिकॉज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आपकी हेल्थ के लिए। सो उसके लिए तो आपको पूरे लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना पड़ेगा, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, बट नॉट एवरीवन इज़ लाइक दैट। सो इट्स ओके इफ यू आर अ लेट नाइट पर्सन, सो यू फॉलो 12 to 8 का विंडो, जिसमें आप 12 से 8 के बीच में खाएंगे और फिर शाम के 8 से अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। अगली चीज़ का ध्यान आपको देना है कि आप जो भी मील्स ले रहे हैं अपने जो खाने के दौरान, वो मील्स होलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप लो कार्ब डाइट पर हो या फिर नो कार्ब डाइट पर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको होलिस्टिक मील्स लेनी है। वेट लॉस के लिए कार्ब्स होने डाइट में बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप फैट को बर्न कर सको। सो आप फैट्स भी लो, कार्बोहाइड्रेट्स भी लो, प्रोटीन्स भी लो, तीनों का हेल्दी कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फास्टिंग के दौरान आप अपने आप को सस्टेन कर पाओ। बिकॉज सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी ताकि आपने प्रॉपरली मील्स खाई हैं, ताकि जब फास्टिंग के दौरान आपको भूख ना लगे।
ऐसा होता है ना कई बार कि हमें अब फास्टिंग हम कर रहे हैं लेकिन हम इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, हम नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि हमने सही प्रॉपरली खाया ही नहीं है, हमारी मील्स इतनी प्रॉपरली है ही नहीं कि हमें वो सस्टेन कर पाए हमारे फास्टिंग के दौरान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रेकफास्ट प्रॉपर होना चाहिए, लंच और आपका डिनर, जो भी तीन मील्स हैं आपकी हेल्दी होनी चाहिए, प्रॉपर नरिश्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ताकि आपको वीकनेस ना महसूस हो। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान देना है। और जो आखिरी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आपको एज अ लाइफस्टाइल उस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कि महीने में एक चीज़ महीने में एक दिन कर लिया तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ आप एज अ लाइफस्टाइल अपनाते हो, जिस चीज़ को आप लाइफ लॉन्ग ज़्यादा समय तक कर सकते हो आसानी से, वही हमें फ़ायदा देगी। और हमारा जो भी चीज़ हम अपना रहे हैं एज अ लाइफस्टाइल, हम उसको अपना सकें। तो इट शुड बी अ लाइफस्टाइल चेंज। अगर आपका लाइफस्टाइल इतना हेल्दी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपका खाने का डिसिप्लिन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और इन चीज़ों को, इन फास्टिंग को एज अ लाइफस्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा। आप हेल्दी तभी बन सकते हैं, वेट लॉस तभी कर सकते हैं जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हेल्दी हैबिट्स अपना रहे हैं, एक्सरसाइज है, मूवमेंट भी करते हैं, योगा भी करते हैं। तो बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। किसी भी तरह के जो ट्रेंड्स आते हैं वो आपको परमानेंट वेट लॉस, परमानेंट रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं। कोई भी चीज़ को अपनाओ एज अ लाइफस्टाइल अपनाओ, ये नहीं कि महीने में एक दिन करा तो आपको रिजल्ट्स मिल जाए। आई होप आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और अपना वेट लॉस गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे।